बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, कितने बच्चों को स्कूल मिला? 16,645 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से आपको 52 बच्चों का स्कूल का आवंटन हुआ। बात की जाए कि कितनी सीटें टीआई के तहत है और कौन कौन स्कूल इसमें आते हैं? लगभग जनपद में 1104 विद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें सभी स्कूल अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सम्मिलित। बात की जाए बच्चों को किस तरह से रजिस्ट्रेशन बच्चे कराते हैं और किस तरह से पारिश्रमिक से बच्चों को स्कूल मिलता है? बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनका जो है तीन तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। पहला निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में आपका एक पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, RT-25 को अपलोड है, जिसमें उनका निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा राशन कार्ड आधार वगैरह ये प्रमाण पत्र के रूप में होना चाहिए। और ये शर्त है कि जिस ग्राम पंचायत में विद्यालय हो उसी ग्राम पंचायत के निवासी होना चाहिए। तो प्राइवेट में होना है कि प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उसमें किस तरह से? ये गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिए लॉटरी निकाली गई, जिनको सरकार से कोई सहायता नहीं दी जाती है, अशासकीय श्रेणी में आते हैं। या और कक्षा 1 से 8 तक की मानता हो, या कक्षा 1 से 5 तक की मानता हो, या नर्सरी से 5 तक की मानता हो, 4 वर्ग में उनका एडमिशन कराया जाता है। कक्षा 1 के लिए आयु वर्ग 6 से 7 के बीच में, और इसके बाद प्राथमिक कक्षा में आयु वर्ग होता है 3 से 6 के बीच में, और आयु वर्ग के संगत कक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है। फैसिलिटियाँ क्या मिलती हैं इस बच्चों को, RTI के बच्चों को? फैसिलिटी जो नॉर्मल बच्चे एडमिशन कराते हैं फीस के तहत, उसी के तहत सुविधाएँ उनको प्राप्त होती है। उनके द्वारा कोई फीस नहीं लिया जाता है, कोई आपका परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है। ये नॉर्मल बच्चों की तरह और बच्चों की तरह सापेक्ष किसी क्लास में पढ़ते हैं, इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं। सामान्य रूप से जो व्यवस्था किया जाता है इनके साथ भी व्यवहार किया जाता है। परिवार को क्या मिलता है? अभिभावक को जो अभिभावक को इसके तहत 5,000 रुपये साल में किताब काफ़ी ड्रेस वगैरह के लिए मिलता है। कितनी बारों में ये होता है, साल में कितनी बार एडमिशन का? ये साल में इनका एक बार आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, जो मार्च से आपको शुरू होती है, और ये 3 चरणों में होती है। पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरा चरण आपको 2 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में है, और तीसरा चरण इसके आगे और निकल जाएगा। 3 चरणों में लास्ट तीसरा चरण 10 जून तक चलेगा। जिन आज कितने कुल बच्चों को निकल गया है? आज में आपको 6,152 बच्चों का लाठी में नाम निकला हुआ है। शेष जिन बच्चों का अभी नाम नहीं आया है, तो क्या वो दोबारा अपना आवेदन भर सकते हैं ऑनलाइन? जो पंजीकृत कराए हैं उनका संभवतः पोर्टल नहीं लगा। नए बच्चे जो अपना पंजीकरण नहीं कराए हैं उनका वो लेते हैं। हम लोग ये आग्रह करेंगे परियोजना से कि जिन बच्चों का लाठी में नाम। सर मैं परियोजना निदेशक DRDA हूँ। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे आज प्राइमरी स्कूल में बच्चों के जो एडमिशन होने हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था। ये लॉटरी मैंने अपने सामने आज खुलवाई है। सर कितने बच्चों का आज निकला है और कितने क्या क्या डिटेल है सर? ये जनपद में कुल 1104 विद्यालय हैं जहाँ पर गरीब छात्रों को एडमिशन दिया जाना था। कुल लगभग 16,626 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 14,447 एलिजिबल थे। उनको 2,189 ऐसे थे जो रिजेक्ट हो गए, ऑटो रिजेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर के ही थ्रू सारा एप्लीकेशन लिया गया था, कुछ ऑनलाइन था। और आज जो अभी लॉटरी निकाली गई है वो 6,152 बच्चों की निकली है। टोटल सीट हमारे जनपद में जो है कुल 9,145 की है, जिसके सापेक्ष केवल जो है 6,152 बच्चों का आज लॉटरी के माध्यम से एडमिशन मिल रहा है। शेष जो हमारी रिक्त सीटें हैं इसके लिए फिर लॉटरी निकाली जाएगी, फिर इसके लिए नया विज्ञापन निकलेगा, नए लोग आवेदन करेंगे और फिर उनके एडमिशन प्रोसेस पूरा किया है। सर बात की जाए जिलाधिकारी ने आपको नामित किया था RTI के तहत बच्चों का जो निकल रहा है, सर कितना सर पारदर्शिता की तरफ से आप सर इसका लॉटरी को निकाले हैं? ये मैंने अपने सामने ही सारे प्रोसेस को कराया है और ये पूर्ण पारदर्शी ढंग से है, सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा काम हुआ है। मैंने खुद एक एक चीज़ को देखा है, इसलिए इसमें कहीं कोई गड़बड़ी की या कहीं किसी मैनिपुलेशन की दूर दूर तक संभावना।